हेल्दी मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति गुप्ता और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सतीश हीरेमठ जी, जो कर्नाटक के सेमिनार से प्रभावित होकर सेहक से जुड़ने के लिए दिल्ली आए थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले भी वो इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं और सेहक से जुड़े तमाम अनुभव हमारे साथ साझा कर चुके हैं। तो आइए स्वागत कर लेते हैं उनका एक बार फिर से। इस कार्यक्रम में नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले मेरा सवाल, कैसा लग रहा है आपको दोबारा यहाँ आकर सेहक की टीम से दोबारा मुलाकात करके, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? जो हम पहली बार आए थे तब सेहत के बारे में सुना क्या आए थे, अभी महसूस कर रहे सेहत क्या है, सेहत महसूस कर रहे। इनका जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है, यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आना, और रिजल्ट आने के बाद और ज़्यादा इनके साथ मिलना और डिस्कशन करना और इनका जो नॉलेज हो लेने का, वो मन लग रहा था। यहाँ आने का प्रयोजन हमारे दर्शकों को बताइए। प्रयोजन तो बहुत है, इनका जो प्रोडक्ट्स है हमने पेशेंट के ऊपर जब शुरू किया उनका अलग अलग ही रिजल्ट आ रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास में एक क्लाइंट था, बोले तो पेशेंट, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उनको बहुत इंसोम्निया का प्रॉब्लम था। एक ही बार उनको अप्लीकेशन किया, हमारा जो 5-4 था और न्यूरोटोन 1-2-3 अप्लीकेशन किया, एक ही बार जाते ही उनको नींद आने की शुरू हो गया, इतना तुरंत रिजल्ट मिल रहे ए मेडिसिन से। और एक पेशेंट मेरे पास आया था, उनको कैंसर था, मेरे पास फोटो भी है, वो दिखाता हूँ। वो कैंसर इतना बड़ा गाँठा था, उनको जो हमारा गैंग्रेन फूट लगाया 45 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स मोर देन 25% वो जो गाँठा था ना, वो ट्यूमर मोर देन 25% कम हो गया। ये इतना मिरेकल रिजल्ट है, तो इनके साथ ज़्यादा हमारा संबंध रखना है और डिस्कशन करना है। जी, सेहक से जुड़ने से पहले और सेहक से जुड़ने के बाद आपके कैंसर सेंटर में क्या बदलाव आया, मरीजों पर क्या असर पड़ रहा है सेहक की मेडिसिन का, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पहले से भी हम कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते थे, इनके साथ जुड़ने के बाद पेशेंट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और एक इनका साथी कैंसर में रिसर्च करने वाला एक टीम है, टीम के साथ सर ने जुड़ाया और उनके साथ और ज़्यादा हमको ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छे से मिलता है, वही कॉन्फिडेंस है। जी बिल्कुल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सेहक के अंतर्गत काम कर रहा है, सेहक एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा है एज अ स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर। ठीक है, इस पे डेवलपमेंट को लेकर आप क्या काम करना चाहेंगे? एक पहले से भी हम जो कर्नाटक में हमारा एक एसोसिएशन था, एसोसिएशन में भी हम ट्राई कर रहे थे सभी जो हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर से वो प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए हम उनको ज़्यादा फोर्स कर रहे थे और कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करने से रिजल्ट क्या है, साइड इफेक्ट नहीं, वो सब कुछ हमको मालूम था। वही जो काम था ना ये नेशनल एसोसिएशन के जुड़ने के बाद भी वही काम करने वाला हूँ मैं, बस सभी लोगों और सभी जो डॉक्टर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर प्योर प्रैक्टिस करना, रियली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है वही प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस से ज्यादा पेशेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए, वो मेरा मन में है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गुत्थी रोचेटा एनर्जी हाउस में उलझी, सेहक द्वारा हिंदुस्तान में सुलझी, 5-4 गैंग्रीनल फोर्ट मरीजों पर इस तरह से काम कर रहा है मानो जैसे ये एक मृत संजीवनी हो। जब पहली बार आपको सेहक का ये औषधि या इस औषधि के बारे में बताया गया था, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी, और अब जब आप सेहक से जुड़ गए हैं तो सेहक के एक प्रतिनिधि के तौर पर जब आप तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से ये काम कर रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? पहले इंटरव्यू में मैंने बताया था ये जो मेडिसिन है संजीवनी, अभी भी सेम बताता हूँ, क्योंकि संजीवनी संजीवनी थे वो तो अलग नहीं हो सकता है जी।
संजीवनी, जिन जो मरीजों को संजीवनी का जरूरत है वो मिल गया ना, टोटली रिजल्ट अलग ही रहता तमाम डॉक्टर से आप मिलते हैं और बताते हैं कि सेहक की जो मेडिसिन है वो इस तरीके से काम कर रही है। सबसे खास तौर पे अगर हम गैंग्रेन और फोट की बात करें तो वो मात्र 20 मिनट के अंतराल में कैंसर मरीजों को दर्द से राहत पहुंचा रही है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है तमाम मरीजों की, और जब डॉक्टर से आप मिलते हैं और बताते हैं इसके बारे में तो क्या वो इस पर यकीन करते हैं कि सेहक की ये मेडिसिन इस तरीके से काम कर रही है? सभी लोगों को मालूम है 20 मिनट में मिरेकल हो जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी था। जी मैंने आपको बताया एक कैंसर पेशेंट मेरा पास आया था, वो कैंसर पेशेंट एक डॉक्टर ने मेरा पास और रेफर किया था। वो डॉक्टर ने आंखों से देखा है, जब उनके साथ दो तीन डॉक्टर भी था, आंखों से देखा है रिजल्ट। देखने के बाद मैं नहीं बोलता ये रिजल्ट ऐसा है, खुद ही उन्हें देखता है ना, देखना देखने के बाद उनको मालूम होता है अरे इलेक्ट्रॉन में इतना मिरेकल्स है। ज्यादा से ज्यादा बोलने से फायदा नहीं, दिखाने से फायदा है। जी बोलने से कम होता है, जो रिजल्ट हम दिखाते हैं ना उसमें ज्यादा पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी रिजल्ट मिलता है और उसका अट्रैक्शन से के पास आता है। मॉडर्न साइंस या एलोपैथी कहा जाए, इसकी पहुंच कहाँ है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जो कैंसर के मरीज है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भागते हैं अपना इलाज कराने के लिए, या यूं कहा जाए कि वो एक तरीके से मजबूर है। उनकी अवधारणा ये है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना अच्छा इलाज, भले ही उनको वो इलाज वहां से पूर्ण रूप से ना मिले, फिर भी उनकी ये जो धारणा है वो नहीं बदल पा रही है। आप इस अवधारणा को कैसे बदलेंगे? किसी का धारणा बदल नहीं सकते, रिजल्ट दिखाए तो अपने आप आ जाता है। लोग जी, जिनको जरूरत है वो 100% आता है। लोगों को ईएचपी के बारे में जागरूक करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रोमायोपैथी के बारे में बताना और रिजल्ट दिखाना, अलग अलग पेशेंट अलग अलग का मरीज आता है, उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेडिसिन देने के बाद रिजल्ट क्या आता है अपने आप। उन्होंने एक पेशेंट को हम ठीक किया ना, 10 पेशेंट को उन्होंने लाके हमारा सामने खड़ा करता है, वही एक हमारा का ये है। जी, मैं जानना चाहूंगी एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे अब आगे की रणनीति क्या है कर्नाटक के लिए खासकर? हम तो अभी सेहक का पहला कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर हो गया और नीरो पेन केयर सेंटर हो गया, और नेक्स्ट हमने सर को बताया रिनल केयर सेंटर एक शुरू करो। बहुत जी सारे पेशेंट मरीजों हैं, जहाँ भी जाओ किडनी स्टोन का है, रिनल फेलियर का केसेस है, अलग अलग डिफरेंस का केसेस है वो भी। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोमोपैथी प्योर इलेक्ट्रोमोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए सभी डॉक्टरों का अलग एक सिस्टम बनाने के लिए हमने सेहत के साथ बातचीत किया है अभी, वो भी मेरे ख्याल से 1 महीने में शुरू हो जाएगा। सेहत सिर्फ औषधि प्रदान नहीं कर रहा, वो तमाम मरीजों के अंदर उम्मीद भी जगा रहा है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है और साथ में आशा की किरण को भी जगा रहा है। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ एक ऐसा केस का अनुभव साझा कीजिए जो बिल्कुल नाउम्मीद होकर आपके पास आए थे और इलाज वहां पर मिला, पूर्ण रूप से वो ठीक हुए, हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, अभी तो सेहत के साथ हमने जुड़कर 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं मेरे पास जो रिजल्ट है मैं बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कट हो गया D1 में, जी चलने को नहीं आता, उनको सेंस भी नहीं था। वो पेशेंट के ऊपर जो हमारा चार प्रोडक्ट है न्यूरोटन 1 2 3 और 5 फोर्स, वही अप्लाई करके उनको सेंस आ रहा है, एक एक पैर एक एक पर आगे अभी रख रहे जी हैं। ऐसा पेशेंट कहाँ भी नहीं होता, पहले हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसा पेशेंट को हम ठीक करता है, मगर 1 महीने में एक 15 दिन 15 20 दिन में इतना रिजल्ट आया था। तो और 1 2 3 महीना उसको ट्रीटमेंट किया तो 100% वो चल चल सकता है, उतना कॉन्फिडेंस मेरे आया है। ऐसा पेशेंट का किया तो दूसरा पेशेंट का क्या उतना ये नहीं, वो जल्दी ठीक कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर आप पूरी निष्ठा से इस कार्य को पूर्ण करें और कर्नाटक के तमाम मरीजों को निरोगी बनाएं। ओके, धन्यवाद मेरे साथ। थैंक यू
तो ये थे डॉक्टर सतीश हेरेमठ जी, जो कि सेहत से एक महीने पहले जुड़कर कैंसर पेन एंड पेलिएटिव केयर सेंटर चला रहे हैं और इस कार्यक्रम में आकर अपना एक महीने का अनुभव साझा किया। और साथ ही नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ से बतौर एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर चुने गए सेहक और हेल्दी राष्ट्र की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं प्रीति गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।